फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स, कुछ एएलपी और टेक्नीशियन रिगार्डिंग जो एग्ज़ाम है आरआरबी का, कुछ रिगार्डिंग में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, और मैं टोटल प्रोसेस आपको दिखाऊंगा और प्रोसेस आपको बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा और केयरफुली देखिएगा, अगर आप ये नहीं करते तो आपका कुछ ठीक नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखिए, एक चीज़ जो है, नोटिफिकेशन आया है कि आरआरबी की तरफ से, कि जो आपका जो जो सिलेक्शन ऑफ पोस्ट है वो आप कर सकते हैं। आप कहाँ पर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो एक सिलेक्शन का जो सिलेक्ट करने के लिए जो एक चीज़ है वो आरआरबी दिया है, ठीक है। तो वो ध्यान से कीजिएगा, आपका कट ऑफ कितना है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और आप कहाँ पर करना चाहते हैं वो भी कर मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि आप वो सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे कि। तो आप देख सकते हैं ये जो स्टार्टिंग डेट है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्टिंग जो डेट है वो है 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक, ठीक है। तो अभी तक जो है, अभी जो साइट है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है। मैं जो साइट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो साइट का लिंक दे चुका हूँ, आप वो जाके उस साइट से डायरेक्ट जा सकते हैं। तो अभी तक तो ये ठीक ठाक काम कर रहा है, मगर कब तक करेगा वो किसका गारंटी नहीं है इसका। तो इसलिए मेरा जो सजेशन है आपके लिए, आप आज ही और अभी आप ये कर दीजिएगा। और टाइम जो है वो 11 जो है AM से रात के 12 बजने से तक खुला रहता है वो साइट, उसके आप कर सकते हैं। तो बात की जब पोस्ट की, पोस्ट भी बढ़ा चुका है, ठीक है। पोस्ट जो है वो भी इंक्रीज़ किया है, तो अब जो टोटल पोस्ट है वो 64,371 है। तो जो ALP का जो असिस्टेंट लोको पायलट का जो वैकेंसी वो है 27,795, और जो टेक्नीशियन का पोस्ट है वो है 36,576। और एक आपका चांस दिया है कि अगर आप पहले भी कर चुके हैं कि जो पहले जो फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम था, और सेकेंड फेज में जो आपका ट्रेड है उसका जो है वो सिलेक्शन आप अभी से कर सकते हैं। मान लीजिए आप मैकेनिकल हैं, तो मैकेनिकल में आप पहले फिटर दे चुके हैं, अभी आप हीट इंजन दे सकते हैं, एयर कंडीशनिंग दे सकते हैं, तो वो जो चीज़ें वो आप कर सकते हैं। और बैंक डिटेल्स जो है वो आप फिर से दे सकते हैं, कि बैंक डिटेल्स आप फिर से भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे प्रोसेस आप कर सकते हैं और कैसे कैसे आप अच्छी तरह से ये कर सकते हैं। एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वेरियस पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज कितना कितना है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और सारा जो आपका 1, 2, 3 नंबर का जो कट ऑफ है ना, तो इसमें ही वो आपको निकल सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, कलकत्ता, मालदा, तो यहाँ पर दिया हुआ है मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, तो ये सब दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा और अच्छी तरह से आपको अकल लगा के ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ है ना, 2-3 नंबर डिफर कर जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई किसी सेक्शन में 2 नंबर ज़्यादा हो गया, किसी सेक्शन में 2 नंबर कम हो गया, तो इसलिए यही फंडा, यही आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे आप कर सकते हैं। तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स का जो लिंक है वो आप अगर ओपन करते तो इस तरह से कुछ चीज़ें आएगा, इस तरह से आपका पेज दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप आ जाएंगे, उसके बाद जो आपका जो काम है वो क्या है, वो यहाँ पर जो 2 टिक है वो 2 टिक आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, डाउनलोड हो जाएगा इंस्ट्रक्शन इन हिंदी, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, ये 2 जो टिक जो साइन है उसमें आपको टिक करना पड़ेगा और लॉग इन करना पड़ेगा। तो लॉग इन करने के बाद जो आपका काम है वो क्या है, यहाँ पर देखिएगा रजिस्ट्रेशन आईडी है, रजिस्ट्रेशन आईडी दीजिएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा, और ये जो सिक्योरिटी कोड है वो आप दीजिएगा, और उसके बाद आप लॉग इन कर दीजिए। तो लॉगिन करने के बाद जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आरआरबी नेम दिया हुआ है, देखिए आपका सब दिया हुआ है, अजमेर है,
इलाहाबाद है, गुवाहाटी है, बेंगलोर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, तो हर एक आपको ये जो है ये आपको अच्छी तरह से फिलअप करना पड़ेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपका जो स्कोर आया है वो दीजिएगा और आप कौन से RRB चूज़ करना चाहते हैं वो दीजिएगा। मुझे जो लगता है मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा, मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिएगा, मैं दिखा देता हूँ, ये चीज़ आपको कोई भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कंफर्म करना पड़ेगा। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड है वो आपको नीचे डाल के सबमिट जो है ऑप्शन उसमें क्लिक करना पड़ेगा। तो उसके बाद में आपको जो प्रेफरेंस डिटेल्स है वो देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मेरा एक स्टूडेंट है, उसका मैं हेल्प लेके आपको दिखा रहा हूँ, तो वो सिलीगुड़ी में दे रहा है क्योंकि वो सिलीगुड़ी में रहता है। और आपका देखिएगा यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका यहाँ पर दो चीज़ आ सकता है। अगर आपके पास ALP है, मतलब आप अगर ITI नहीं करते हैं, तो सिर्फ जो आपका जो यहाँ पर जो पोस्ट है वो असिस्टेंट लोको पायलट आएगा, और अगर आप ITI करते हैं तो यहाँ पर और दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। डिपार्टमेंट भी आपको यहाँ पर मैकेनिकल दिया जाएगा, और यहाँ पर आपको प्रायोरिटी में अगर दो तीन बॉक्स रहता है तो आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको एक ऑप्शन आता है तो एक, अगर दो ऑप्शन आता है तो आप प्रायोरिटी किसको देना चाहते हैं तो एक, अगर दूसरों को देना चाहते हैं तो टू आप जरूर देना, ठीक है। तो उसके देने के बाद सबमिट में आप क्लिक कीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन जो है वो क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद आप कन्फर्म कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो आता है एग्ज़ाम डिटेल्स, तो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा वो कहाँ पर आप किसने आप देना चाहते हैं, तो ये सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं कौन सा आपका पसंद है। सिलेक्ट कीजिएगा और सिक्योरिटी कोड दीजिएगा यहाँ पर, और सबमिट में क्लिक कर दीजिएगा। और एक चीज़ है बैंक डिटेल्स, मैं आपको यह भी दिखा देता हूँ। तो कन्फर्मेशन में क्लिक कीजिएगा यहाँ पर, और उसके बाद कन्फर्म में क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद बैंक डिटेल्स अगर आप पहले नहीं दे चुके हैं और कुछ अगर आपका गलत है आप फिर से वो चूज़ कर सकते हैं, फिर से आप एडिट कर सकते हैं, फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट कीजिएगा। तो ये चीज़ रेलवे बहुत अच्छी तरह से मुझे लगता है अच्छी किया है, और कुछ कन्फ्यूजन रहता है ये चीज़ देख रहा हूँ मैं, मेरा स्टूडेंट पे भी कुछ कुछ कन्फ्यूजिंग हो रहा है और कुछ क्वेश्चंस भी ज़्यादा आ रहे हैं, कैसे करूँ कैसे करूँ। तो सिंपल सा चीज़ है, मगर आप ध्यान से कीजिएगा कि आप कौन से RRB में दे रहे हैं, ठीक है। आपका कट ऑफ, आपका मार्क्स कितना है, और आपका कौन से RRB पे देना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरा जो रिप्लाई है वो मेरा जो ओपिनियन है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आपका ठीक रहेगा क्या नहीं, और कौन से RRB में देना आपको चाहिए, मतलब ऑन कौन सा RRB में आप दे सकते हैं। तो मेरा जो ओपिनियन है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर एंड RRB नेम जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।